रोमन रेंस का असली अटैकर हुआ रवील, बड़ी मर्फी ने जीती जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज स्मैकडाउन लाइव के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम तीन बड़े टॉपिक कवर करेंगे जो कि आज की स्मैकडाउन लाइव में रहे, जो कि दोस्तों आज की स्मैकडाउन लाइव की हाईलाइट रील थे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन लाइव के किक ऑफ की, यानी कि स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत में क्या हुआ। तो आज स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत में दोस्तों रैंडी ऑर्टन आते हैं, जिनके ऊपर हो जाता अटैक, जो कि कोफी किंगस्टन करते हैं। ट्रबल एंड पैराडाइज लगती है आउट ऑफ नोवेयर, जिसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन को बचाने आ जाते हैं द रिवाइवल, यानी कि उनके दोस्त, जिनकी पिटाई कोफी किंगस्टन कर देते हैं चेयर के जरिए, चेयर शॉट से वहां द रिवाइवल भी हो जाती है पस्त। तो आज स्मैकडाउन लाइव की शुरुआत में कोफी किंगस्टन ने अपना बदला ले लिया। बात कर ली जाए उन तीन मेन सेगमेंट्स की, तो आज उनमें से जो लास्ट वाला रहेगा वो काफी मेन रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट सेगमेंट की। तो पहला सेगमेंट रहा दोस्तों हमारे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के मैचेस का। तो आज दोस्तों दो मैचेस रखे गए थे। सबसे पहला मैच जो हुआ वो हुआ अपोलो क्रूज वर्सेस अंद्रादे के बीच में, जिसके अंदर अंद्रादे जीते और यही चीज पहले से मानी गई थी और यही चीज देखने को मिली। तो अंद्रादे क्वालिफाई कर गए और अब वो क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना चुके हैं। वहीं बात की जाए दूसरे मैच की, तो आज दूसरा मैच जो था वो था केविन ओवंस वर्सेस एलायंस के बीच में, लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं हुई जो कि सोची गई थी, इसके अंदर कुछ और ही देखने को मिला है। इसमें दोस्तों WWE ने कैसी चीजें बुक की कि सबसे पहले केविन ओवंस मिलते हैं बैक स्टेज जाकर शेन मैकमैन को और कहते हैं हे मित्र, जो मेरी तुम्हारे साथ दुश्मनी थी उसे भूल जाओ और आज मेरे मैच के अंदर गंद मत डालना, और जो तुमने मेरे ऊपर जुर्माना लगाया उसके ऊपर भी एक बारी विचार करो, काफी बड़ा जुर्माना है। जिसके बाद शेन मैकमैन कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों को मानता हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि आज जो रेफरी रहेगा या फिर आगे जाकर जो भी रेफरी रहेगा उस पर तुमने आगे जाकर हाथ नहीं उठाना है। जिस पर केविन ओवंस उनकी बातों को मान जाते हैं और उसके बाद मैच होता है जो कि मेन इवेंट के अंदर रखा गया था। यह था एलायंस वर्सेस केविन ओवंस के बीच में, और इसमें दोस्तों क्या देखने को मिलता है कि शेन मैकमैन एज ए रेफरी वहां प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों लगता है एक रोलअप, एलायंस रोलअप लगाते हैं केविन ओवंस को और शेन मैकमैन काफी तेज पिन करते हैं वहां और एलायंस मैच को जीत जाते हैं। तो एलायंस क्वालिफाई कर गए हैं और इसे साफ है कि केविन और शेन की राइवलरी अभी और भी खींची जाएगी। बात कर ली जाए दूसरे बड़े सेगमेंट की, वाइज वो था बड़ी मर्फी वाला, जहां दोस्तों बड़ी मर्फी ने आज कमाल कर दिखाया। बड़ी मर्फी ने हरा दिया डेनियल ब्रायन को फेयर एंड स्क्वायर। तो आज दोस्तों मैच था डेनियल ब्रायन के खिलाफ उनका, हुआ क्या कि मैच के अंदर जो बड़ी मर्फी है वो 100% दिए, मैच काफी अच्छे से उन्होंने पुट किया। डेनियल ब्रायन ने भी दोस्तों काफी अच्छे मूव्स वहां दिखाए, लेकिन एंड ऑफ द डे दोस्तों जो बेहतर था वो सामने निकल कर आया। बड़ी मर्फी जिन्हें मंदिर के घंटे की तरह ट्रीट किया जा रहा था, उन्होंने आज सभी की घंटियां बजा दी। तो बड़ी मर्फी को जीतते हुए दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा है। वो चाहे हील हो या फिर फेस हो, वो काफी बेहतरीन परफॉर्मर है। लेकिन बात कर ली जाए मेन सेगमेंट की, तो आज मेन सेगमेंट मुझे काफी फनी लगने के साथ साथ काफी बुरा भी लगा, वो था बिग डॉग रोमन रेंस का। रोमन रेंस दोस्तों आज स्मैकडाउन लाइव में सबसे पहले जाकर मिलते हैं बड़ी मर्फी से और कहते हैं कि दोस्त सच सच बता कि तूने मुझसे झूठ कहा था या फिर सच कहा था। बड़ी मर्फी कहते हैं कि रोमन मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, मैंने उस दिन सच ही कहा था, वो रोमन ही था जिसने तुम पर अटैक किया था। जिसके बाद दोस्तों हमें एंड ऑफ द नाइट, यानी कि जब स्मैकडाउन लाइव खत्म हो रही थी, तो देखने को मिलता है कि रोमन रेंस घुस जाते हैं उस कमरे में जहां डेनियल और रोमन ने उस अटैकर को पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर दोस्तों उन्होंने एक ब्लैक कपड़ा फेंका हुआ था। जैसे ही रोमन रेंस उस कपड़े को हटाते हैं, वो निकलता है एक बहरूपिया जो कि कुछ रोमन के जैसे दिख रहा था, यानी कि रोमन का हमशक्ल वहां था। अब डेनियल आगे जाकर क्या कहेंगे कि जो ये व्यक्ति है यही असली अटैकर है, और बड़ी मर्फी को लगा कि ये रोवन है लेकिन इसी ने वो अटैक किया है और यही वो ड्राइवर था जिसने तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। तो दोस्तों आप जानते हैं, मैं जानता हूं यार WWE काफी गंदा कर गई, क्योंकि रोमन रेंस आगे जाकर पता कर ही लेंगे कि वो अटैकर नहीं है, वो रोवन ही थे, और डेनियल ब्रायन भी उस चीज को मान जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ जो चीजें हुई वो अंत में काफी फनी होने के साथ साथ काफी घटिया बुक्ड भी थी। क्या कहना आपका, कमेंट करके बताइएगा जरूर। पर दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।